आका की आमद के इस मुबारक महीने के सदक़े में गरीब नवाज सबकी झोलियों को गौहर मुराद से भर दें। जो जो मकसद मुराद लेके गरीब नवाज के शहदाई आए हुए हैं, मौला गरीब नवाज आका अलैहिस्सलाम के सदक़े में सबके जायज मकसदों में मुरादों में कामयाबी अता फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। मैं आपको रोज अजमेर शरीफ दरगाह की जियारत करवाता हूं और आपको दुआओं में शामिल करता हूं। तो जब हम और आप गहरी नींद में सोते हैं, जब हम एकदम गहरी नींद में सोते हैं, उस समय सैयद फैसल चिश्ती साहब बहुत ही बेहतरीन दुआ करते हैं आपके लिए, हमारे लिए और पूरी कायनात के लिए। आप अगर सैयद फैसल चिश्ती साहब से दुआएं करवाना चाहते हैं तो उनका नंबर हमने आगे दिया हुआ है, आप उनको व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप उनसे बात कर सकते हैं और आप उनसे अपने लिए दुआएं करवा सकते हैं। तो बिना देर किए हुए आइए, आपको सैयद फैसल चिश्ती साहब वहां की दुआओं में और वहां की जियारत करवा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला सलामत रखें, गरीब नवाज अपने दामन के साए में रखें। बस मगरिब की नमाज से फारिग हुए हैं और सलाम होने वाला है हुजूर की बारगाह में। चलिए हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो सलाम पेश किया जाता है उसमें शिरकत करें। आप तमाम आशिकों को भी लाइव के जरिए हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में सलातो सलाम में शिरकत कराते हैं। दुआ करते हैं मौला गरीब नवाज आप सबकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। तमाम आशिकों का सलाम गरीब नवाज कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीब नवाज, क्या तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर, तुम जानत हो मनसूर बतिया। बेशक गरीब नवाज आपको रोशन है दिलों के हाल ख्वाजा।
मौला सलामत रखे गरीब नवाज तमाम चाहने वालों को अपने दामन के साये में रखे। आका अले सलाम पंजतन पाक शौदाए करबला आप सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। गरीब नवाज हमेशा अपने दामन के साये में रखे। आका की आमद के इस मुबारक महीने के सदक़े में गरीब नवाज सबकी झोलियों को गौहर मुराद से भर दें। जो जो मकसद मुराद लेके गरीब नवाज के शहदाई आए हुए हैं, मौला गरीब नवाज आका अले सलाम के सदक़े में सबके जायज मकसदों में मुरादों में कामयाबी अता फरमाए। आका अले सलाम की बारगाह में सबकी हाजिरी हुजूर गरीब नवाज के सदक़े में हो जाए। मौला गरीब नवाज निगाह खास तवज्जो फरमाए। तमाम मोमिनीन को हज बैतुल्लाह रौज़ा रसूलुल्लाह की ज़ियारत से मुशर्रफ अता फरमाए। करबला मौला की हाजिरी नसीब फरमाए। नजफ में अशरफ की हाजिरी नसीब फरमाए। गरीब नवाज सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। मौला गरीब नवाज के जितने आशिकों ने गुलाम से दुआ की दरख्वास्त करी है हुजूर की बारगाह में, मौला गरीब नवाज सबकी दरख्वास्त को कबूल फरमाए। सबकी दुआ इल्तिजा को कबूल फरमाए। जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमाए। जो कर्जदार है कर्जदारी से निजात अता फरमाए। जो बे औलाद है नेक वाले औलाद अता फरमाए। जो बीमार है सेहत कामिल अता फरमाए। हुजूर गरीब नवाज अल्लाह के हबीब के हबीब है हुजूर, आप अल्लाह के खजाने से अता फरमाए। गुलाम की दुआ इल्तिजा को कबूल फरमाए। दिल के हर दाग को एक फूल बना दो ख्वाजा, मेरी फरियाद को मकबूल बना दो ख्वाजा। एक नजर अपने गदा पर कीजिए, दामने मकबूद को भर दो गरीब नवाज। मगर दाब बला उस्ताद कश्ती नई पाने शिकस्तारा तो कुश्ती बहक के ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद दुनिया मोहीन उद्दीन। मौला मैं मदद मौला सलाम गरीब नवाज के हिफाजत आप बांटो अपने हाथ में तन के सदक़े में लाज मोरी रख लेना, मौला हज में भी कह देना ये गुलाम हमारे हैं, मौला हज में भी कह देना ये गुलाम हमारे हैं। मौला सलामत रखे तमाम चाहने वालों का सलाम कबूल फरमाए। बारगाह में खास दुआ करते हैं आप सबके लिए। 22 तारीख को छठी शरीफ है, आज 4 तारीख है, परसों छठी शरीफ है, कल रात को 5 तारीख की रात में छठी शब लग जाएगी, तो छठी शरीफ का लंगर कल पेश किया जाएगा बारगाह गरीब नवाज में। आप तमाम आशिक हुजूर गरीब नवाज की नियाज नजर में छठी शरीफ के लंगर में जरूर शिरकत करें। आप लोग हमें फोन करते हैं, हम फोन रिसीव नहीं कर पाते, आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें और अपने अर्ज़ो मारूज़ व्हाट्सएप के जरिए भेजें तो हुजूर की बारगाह में आपका सलाम आपके अर्ज़ो मारूज़ को हुजूर की खिदमत में पेश करेंगे, दुआ करेंगे। मौला गरीब नवाज सबको सलामत रखें। 27 तारीख की रात में ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में रूबरू आस्ताना आलिया जहाँ पर अभी सलाम हुआ है इसी मुकाम पर आताए नूर में बहुत ही धूमधाम से शान शौकत से मनाया जाएगा। जितने भी आशिक आना चाहते हैं 27 तारीख के ईद मिलादुन्नबी के प्रोग्राम में जरूर आए, मौला सबको बुला। तो आप हमारी हौसला अफजाई के लिए अगर ये वीडियो पसंद आई हो और इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।